क्या आप लोग के पास लो एंड पीसी है और उसमें हेडशॉट नहीं लगते, तो भाई आपको क्या करना है? तो भाई हेडशॉट तो मेरे भी जल्दी नहीं लगते भाई, मेरा भी लो एंड पीसी है, लेकिन मैं फिर भी ना ऐसे सेटिंग किया हूँ ना कि मेरे गेम में कि मेरे हेडशॉट लग ही जाते हैं, मेरे को मारना पड़ता, मतलब ऐसा ड्रैग करूँगा कि मेरे हेडशॉट लग ही जाते हैं। तो भाई वो सेटिंग को अब देखना है आपको अपने लैपटॉप में या तो पीसी में वही सेम सेटिंग कॉपी करनी है, तो आप लोग को ये वीडियो एंड तक वॉच करना पड़ेगा जिससे आप लोग का सेम हेडशॉट और एकदम गेम स्मूथ चलेगा और आपके FPS भी एकदम अच्छे आएंगे। तो इस वीडियो को चलो शुरू करते हैं। मैं बता रहा हूँ वो स्टेप सेम आपको फॉलो करना है तभी आपके हेडशॉट लगेंगे। तो भाई सेंसिटिविटी तो मेरा डिफ़ॉल्ट रखा हूँ मैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे भाई अच्छे हेडशॉट लग जाते हैं। अगर आपका लो एंड पीसी है तो आपको भाई बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपना कस्टम हुड की बात बता दूँ तो कस्टम हुड मैंने अपने हिसाब से सेट किया, अगर आपको सेम यही रखना है तो आप रख सकते हो, ऐसे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। और मेरे एक्स और वाई, तो भाई मेन होता है अपना एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या रखना है तो भाई एक्स और आपको खुद ही फाइंड करना पड़ता है, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा फिर भी मेरे को मिला नहीं अब तक। लेकिन भाई मैं अभी अच्छे हेडशॉट लग रहे हैं वो है मेरा एक्स और मैं बता देता हूँ। तो भाई मेरा एक्स है 2 और वाई भी है 2। तो पहले मैं 1.40 पे खेलता था, उस पर मेरे हेडशॉट लग जाते थे लेकिन वो प्रॉपर ड्रैग नहीं होता था। तो भाई 2 पे रख के देखा तो भाई मेरे ड्रैग हो रहे हैं तो उसमें हेडशॉट लग रहा है। और मेन सेटिंग अपने को मतलब ब्लू स्टैक के अंदर करना है अपना गेम जिससे स्मूथ चलेगा। तो भाई ये सेम सेटिंग आप लोग कॉपी कर लो, है मतलब CPU को 4 पे डाल दो। और मेन डिस्प्ले में आपको 960x540 ही रखना है अगर आपका लो एंड पीसी है 4GB का, 2GB का, 8GB का। भाई 8GB का भी लो में ही काउंट होता है, किसी काम का नहीं है। और भाई ये सेम सेटिंग करना है आपको। और मेन आपका ब्लू स्टैक का वर्जन आपको क्या रखना है, तो भाई ब्लू स्टैक का वर्जन आपको अपनी पीसी के एबिलिटी के हिसाब से रखना है। तो भाई मेरा ब्लू स्टैक का वर्जन तो मैं 5.11 रखा हूँ, वो भी N32 है, मतलब वो छोटा वर्जन होता है ब्लू स्टैक का, तो वो मैंने उसको डाउनलोड किया है भाई ताकि उसमें अच्छे खासे हेडशॉट लग जाए, रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ मैं ताकि गेम प्ले का। तो और मैंने गेम डिस्प्ले को अपना स्टैंडर्ड पे रखा है, FPS को हाई कर दिया है जिससे कि मेरे हेडशॉट और भी अच्छे से लग सके। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको मेरा माउस GPI अगर जानना हो तो भाई इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई ऐसे और भी वीडियोस बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा आप लोग के लिए।